सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों यहां पर आज के इस वीडियो में आंसर करने वाला हूं आप लोगों के कुछ पूछे गए क्वेश्चंस को। तो दोस्तों फाइनली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह कोई वीडियो अपलोड करूं। तो जो वीडियो है सबसे पहले यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों अगर बात करूं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो निकल कर आता है यहां पर घनराज प्रवान की तरफ से। ये पूछता है कि फ्लिपकार्ट की नेक्स्ट सेल कब आएगी। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट की जो नेक्स्ट सेल है, मे भी पूरा चांस है कि ये जो फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल चल रही है अभी फ्लिपकार्ट पे, इसके बाद में आपको फ्लिपकार्ट ईयर एंड सेल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आपको स्मार्टफोन वगैरह पे काफी अच्छा और जो प्राइस कट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप नेक्स्ट सेल का वेट कर सकते हैं, नेक्स्ट सेल फ्लिपकार्ट में जल्दी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं साहिल यादव, ये पूछते हैं कि राहुल रियलमी नार्जो 20 प्रो ठीक फोन है कि नहीं। तो रियलमी नार्जो 20 प्रो एक अच्छा फोन है, 65 वाट का चार्जर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आपको यहाँ पर एक काफी ज्यादा फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लेना है तो आप Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हैं। स्मार्टफोन काफी अच्छा है, कोई भी दिक्कत इस स्मार्टफोन में नहीं है। दोस्तों इसके साथ बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं अजय कुमार, ये पूछते हैं कि भाई मैं Realme Narzo 20 लूँ या Redmi 9 Power लूँ या Poco M2 लूँ, कंफ्यूज हूँ, प्लीज कोई बता दो बेस्ट कौन सा है, प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन तीनों स्मार्टफोन में से, तो जो Redmi 9 Power स्मार्टफोन है वो कुछ ज़्यादा बेटर है Realme Narzo 20 और Poco M2 से, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है वो एक नया स्मार्टफोन, सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से जो सपोर्ट वगैरह है वो नया स्मार्टफोन में कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलते हैं। उसके साथ इस स्मार्टफोन में आपको अच्छा प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, स्नैपड्रैगन 662 है, तो आपको काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो देखने के लिए मिल जाएगी। उसके साथ में यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा वगैरह देखने के लिए मिलता है, 6000 mAh की बैटरी है, 18 वाट का चार्जर है, नए डिजाइन नए लुक के साथ में स्मार्टफोन आता है। तो आप यहां पर Redmi 9 Power स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हैं, Redmi 9 Power स्मार्टफोन काफी बेस्ट रहेगा इन दोनों स्मार्टफोन में से। और रही बात Poco M2 के बारे में, तो यार Poco M3 स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, तो उसके बाद में Poco M2 की जो वैल्यू है वो भी ऑलमोस्ट यहां पर कम होने वाली है, तो आप Redmi 9 Power स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हैं। दोस्तों बात करता हूं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो आता है 52 ऋत्विक प्रजापति की तरफ से, ये पूछते हैं कि भैया मुझे स्मार्टफोन लेना है 2020 में, Realme 7i ले सकता हूं, उसमें गेमिंग अच्छी खासी हो जाएगी या नहीं। तो Realme 7i स्मार्टफोन अगर आप गेमिंग के पर्पज से लेना चाहते होंगे तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर इस स्मार्टफोन में आपको Qualcomm Snapdragon 662 का जो प्रोसेसर वो देखने के लिए मिलता है। इसकी जगह पे आप Realme 6i स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हैं, वो जो स्मार्टफोन है उसमें आपको Helio G90T का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, तो उस स्मार्टफोन में आपको जो गेमिंग है वो काफी अच्छी खासी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो निकल कर आता है गगन गेम्स की तरफ से, ये बोलते हैं, पूछते नहीं बोलते हैं कि माइक्रोमैक्स विल यूज MediaTek Dimensity सर इन द नेक्स्ट मोबाइल आई थिंक। तो नेक्स्ट मोबाइल में तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो माइक्रोमैक्स है वो डायमेंसिटी सीरीज के प्रोसेसर का यूज कर लेगा, लेकिन हाँ 2021 में आपको माइक्रोमैक्स की तरफ से 5G स्मार्टफोन देखने के लिए मिलने वाले हैं MediaTek डायमेंसिटी सीरीज के प्रोसेसर के साथ में, क्योंकि माइक्रोमैक्स की पार्टनरशिप है MediaTek के साथ में, लेकिन यहां पर अगले ही स्मार्टफोन में डायमेंसिटी प्रोसेसर को यूज करेगा ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो निकल कर आता है मुनी पतिरिया की तरफ से, ये पूछते हैं कि माइक्रोमैक्स कोई न्यू फोन मार्केट में लाएगा Realme 6 को कम्पीट करने के लिए। तो हो सकता है कि माइक्रोमैक्स का जो अगला स्मार्टफोन है वहीं आपको देखने के लिए मिल जाए Realme 6 और Realme 7 दोनों स्मार्टफोन को कम्पीट करने के लिए। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर माइक्रोमैक्स के एक नए स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर वगैरह है वो यहाँ पर कन्फर्म होकर के आ चुका है। मे बी मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं उसी स्मार्टफोन की बनाऊं जिसमें मैं आपको सारी डिटेल यहाँ पर उस स्मार्टफोन की दे सकूं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जनवरी के महीने में दो स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा, एक थोड़ा लोअर एंड का होगा और एक जो स्मार्टफोन है वो आपको Realme 7 स्मार्टफोन की टक्कर में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेता हूं आपसे उन क्वेश्चन के बारे में जो कि मेरे चैनल पर सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो निकल कर आता है Realme 8 स्मार्टफोन को लेकर के। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं यार Realme 8 स्मार्टफोन में कितने मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों मैं पिछली वीडियो में भी आपको इन्फॉर्म किया था, अभी भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि Realme 8 स्मार्टफोन में कैमरे को लेकर के अभी तक कोई भी डिटेल नहीं है कि Realme 8 स्मार्टफोन में कितने मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आप मान करके चल सकते हैं कि कैमरे में आपको अपग्रेड देखने के लिए मिलने वाला है और आपको Realme 8 सीरीज के स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा इस बार देखने के लिए मिल सकता है, ऐसी पूरी पूरा चांस यहाँ पर बना हुआ है। Realme 8 सीरीज के स्मार्टफोन जनवरी के महीने में आने वाले हैं, जल्दी ही इनकी जो डिटेल वगैरह है वो निकल करके आने वाली है, फीचर्स वगैरह निकल करके आने वाले हैं, जैसे कुछ
चीजें लीक वगैरह आती है मैं आपको सारी चीजें इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे आप कितने मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर रियलमी 8 स्मार्टफोन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं जरूर से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो पूछा गया कि रियलमी नार्जो 30 प्रो स्मार्टफोन में कौन सा प्रोसेसर होने वाला है और इस स्मार्टफोन की प्राइस क्या होने वाली है। दोस्तों फिलहाल के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि रियलमी नार्जो 30 प्रो और यहाँ पर रियलमी 8 स्मार्टफोन दोनों स्मार्टफोन जनवरी 2021 में लॉन्च होने वाले हैं। तो उम्मीद किया जा रहा है कि जिस तरीके से रियलमी 7 और रियलमी नार्जो 20 प्रो स्मार्टफोन के साथ में हुआ था कि दोनों स्मार्टफोन में आपको एक ही प्रोसेसर यहाँ पर देखने के लिए मिला था, उसी तरीके से रियलमी नार्जो 30 प्रो एंड रियलमी 8 स्मार्टफोन में आपको एक ही प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है। मे बी यहाँ पर और सारे फीचर्स वगैरह में आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके देखने के लिए मिले, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसर कहा जा रहा है कि दोनों स्मार्टफोन आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिल सकता है। अब कौन सा प्रोसेसर ये अभी कंफर्म नहीं है, मीडियाटेक डायमेंसिटी सीरीज के प्रोसेसर को ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और प्राइस की बात करूं तो फिलहाल प्राइस जब तक प्रोसेसर कंफर्म नहीं होता प्राइस हम कंफर्म बता नहीं सकते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा। बात करता हूँ यहाँ पर अगले क्वेश्चन के बारे में। काफी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि माइक्रोमैक्स का नया स्मार्टफोन कब आएगा। इनफैक्ट मैंने आपके दो क्वेश्चन यहाँ पर पिक भी कर लिए। तो माइक्रोमैक्स के नए स्मार्टफोन को लेकर के बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोमैक्स का नया स्मार्टफोन कब आने वाला है। और यहाँ पर जो माइक्रोमैक्स है वो क्वालकॉम के प्रोसेसर यानी स्नैपड्रैगन 720G 730G जैसे प्रोसेसर को कब यूज करेगा। तो माइक्रोमैक्स का नया स्मार्टफोन जल्दी आने वाला है, लेकिन दोस्तों इस बार भी मीडियाटेक के ही प्रोसेसर के साथ में स्मार्टफोन आएगा। माइक्रोमैक्स वाले क्वालकॉम के प्रोसेसर का यूज करने वाले हैं, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन यहां पर माइक्रोमैक्स का नया स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। और यहां पर इसके कुछ डिटेल वीडियो वगैरह में मैं आपको आपके साथ में जल्दी ही शेयर करने वाला हूं। इसके साथ दोस्तों यहां पर प्रवीण जी पूछते हैं कि रियलमी 7 स्मार्टफोन को मुझे परचेस करना है, रियलमी 7 स्मार्टफोन पे हमें डिस्काउंट कब देखने के लिए मिलेगा और हम यहाँ पर इस स्मार्टफोन को कुछ 10,000 रुपए की प्राइसिंग पे कब खरीद पाएंगे कार्ड वगैरह लगा करके। तो यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि सेल अभी चल रही है, लेकिन आपको रियलमी 7 स्मार्टफोन पे डायरेक्टली वाला जो प्राइस कट है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप कार्ड यूज करते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट पे यहाँ पर 10% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये स्मार्टफोन बहुत ही सस्ते दाम पे परचेस करना है तो मैं भी आपको थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। 2021 में ये जो स्मार्टफोन है इस पे आपको उम्मीद है कि जो बड़ी सेल आएंगी उस पे डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपको इस स्मार्टफोन को लेना है बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पे लेना है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, अदरवाइज आप इस स्मार्टफोन को अभी के अभी ले सकते हैं, सेल अभी लाइव है। दोस्तों बात करता हूं अगले क्वेश्चन के बारे में और हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन मुझे काफी बार पूछा गया है कि Redmi Note 10 सीरीज के जो स्मार्टफोन होंगे वो यहां पर इंडिया में कब लॉन्च होंगे। दोस्तों अगर आप यहां पर Redmi Note 10 सीरीज के स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं तो ये जो स्मार्टफोन जल्दी आने वाले हैं उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जनवरी के महीने में ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर इंडिया में देखने के लिए मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों ये हैं आप लोगों के कुछ पूछे गए क्वेश्चंस जो कि मैंने यहां पर कवर कर लिए। अब आपका अगर कोई भी क्वेश्चन यहां पर रह गया है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आने वाली वीडियोस में उस क्वेश्चन को भी पिकअप कर लूंगा। अब दोस्तों आपका क्या कहना है इन सभी चीजों के बारे में जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहां पर कमेंट करके बता दीजिएगा। अब दोस्तों यही था इस वीडियो में, आशा करता हूं छोटी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।